हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में जामिया इस्लामिया क्लास 9 के लिए जो भी स्टूडेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हैं, आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 के पेपर सॉल्व करेंगे। और साथ ही मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो सेट है वो सेट डी है, और आप अपना देख लीजिएगा उसी हिसाब से। 31 मार्च 2024 को इसका पेपर हुआ है। चलते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करें, व्हेन डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस मेक डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर जो होगा वो बी होगा, मतलब ऑप्शन के हिसाब से बी होगा। वैसे 1935 है, समझ गए कि नहीं। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू। कह रहा है, इन अ सेकुलर डेमोक्रेसी सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट प्राइमरली एम्स टू। सेकंड का करेक्ट ऑप्शन बी होगा, प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज़। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इन अ डेमोक्रेसी सिटीजन हैव द राइट टू एक्सप्रेस देयर डिसकंटेंट विद द रिप्रेसिव लॉज थ्रू वेरियस मीन्स सच एज पब्लिक मीटिंग, मीडिया कवरेज एंड राइटिंग। दिस प्रोसेस प्राइमरली एम्स टू। थर्ड का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, चैलेंज द लीगलिटी ऑफ लॉ। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाउ डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द प्रॉब्लम ऑफ पावरफुल पीपल और पॉलिटिक्स ट्राइंग टू कंट्रोल द डिसीजन मेड बाई जजेज। फोर का करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा, इंश्योरिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। हाँ, मैं ये जरूर कहूँगा, अगर बाई दे लगता है कि आंसर गलत बताया गया तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं वही उस कमेंट को पिन कर दूंगा, ताकि बाकी लोग जो वीडियो देखेंगे उनको पता चल सके हाँ भाई इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वाई आर मुस्लिम कंसिडर्ड ए मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी इन इंडिया टुडे बेस्ड ऑन देयर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। तो फिफ्थ का करेक्ट आंसर होगा, बिकॉज दे हैव द हाईएस्ट लिटरेसी रेट्स अमंग ऑल दी कम्युनिटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ये कह रहे हैं कि व्हाट लेड टू द एनैक्टमेंट ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट इन 1999 इन इंडिया। तो सिक्स का जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, सो इसके जो करेक्ट आंसर होंगे ऑप्शन सी होंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट इज ग्रुप इज गारंटेड द राइट टू एजुकेशन। आपको तो मालूम ही है। सेवन का करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा, 6 to 14 years। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस इंश्योर कंट्रोल ओवर इंडिविजुअल एंड प्राइवेट कंपनी एक्टिविटी टू अपहोल्ड सोशल जस्टिस। एट का करेक्ट आंसर होगा, प्रमोशन ऑफ प्राइवेटाइजेशन पॉलिसीज। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच कैटेगरी ऑफ रिसोर्स इंक्लूड सोलर विंड एनर्जी। नाइन का करेक्ट आंसर रिन्यूएबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट प्रोसेस डिस्क्राइब द ब्रेकिंग अप एंड डिके ऑफ एक्सपोज रॉक्स ड्यू टू द वेरियस फैक्टर्स। टेन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, वेदरिंग। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, फ्रॉम विच लैटिन वर्ड इज द टर्म एग्रीकल्चर डिराइव्ड। करेक्ट आंसर एज एगर एंड एग्रीकोला होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ सेकेंडरी एक्टिविटीज इन इकोनॉमी। इसका आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा थोड़ा। मेरे हिसाब से जो है ऑप्शन डी जो होगा वो हो सकता है, बाकी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं यहाँ पे कि व्हाट डज पॉपुलेशन डेंसिटी रिफर्स। तो 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 14 कह रहा है कि हु इज क्रेडिटेड विद पॉपुलराइजिंग द पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री इनटू हिंदू मुस्लिम एंड ब्रिटिश पीरियड। करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा, जेम्स मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट कह रहे हैं यहाँ पे व्हाट रोल डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी एज्यूम आफ्टर बीइंग अपॉइंटेड एज ए दीवान ऑफ बंगाल। 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है, हु डिसाइडेड द बहादुर शाह जफर वुड बी द लास्ट मुगल किंग एंड द नन ऑफ द हिज डिसेंडेंट शुड बी रिकॉग्नाइज एज ए किंग। 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, लॉर्ड कैनिंग जो था वो। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट वाज द हेनरी थॉमस कोलब्रुक नॉन फॉर। 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, स्कॉलर ऑफ संस्कृत एंशिएंट सेक्रेट राइटिंग ऑफ हिंदुइज्म। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं यहाँ पे कि व्हाट वेयर द ऑक्यूपेशन ऑफ द ग्रुप्स प्लेस एट द बॉटम ऑफ द कास्ट हायरार्की। 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, पीजेंस एंड आर्टिजन। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है, हु रोट द इन्फ्लुएंशियल बुक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, दादा भाई नेहरू जी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ से आपका ये पैसेज है, आप इसको अच्छे से पढ़िए, और यहाँ पे जितने भी सवाल जो है वो पैसेज से ही है। तो चलिए फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। कह रहा है, व्हाट फैक्टर डिटरमाइन कैमिलियन कलर्स चेंज। 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। कह रहा है, इन विच टाइप ऑफ हैबिटेट डू कैमिलियन प्राइमरी लिव। 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, हाउ डू कैमलियन कैच देयर स्प्रे। 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट आर द ऑलमोस्ट हाफ ऑफ ऑल कैमलियंस फॉन। 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कैमलियन कैमोल फ्लेक। 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए को, टू अवॉइड इट्स एनिमीज। सो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे करेक्ट ऑल्टरनेटिव वर्ड आपसे पूछ रहा है, तो स्टार्ट करते हैं। ही शुड स्पीक द ट्रूथ डैश ऑल मे लव हिम। 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, वेयर इज ही क्वेश्चन मार्क आई डैश फॉर हिम सिंस 3 o'clock। 27 का करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, डू यू थिंक महीन इज डैश देन सोहा। तो 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है, द फॉक्स जंप डैश द वेल। 29 का करेक्ट आंसर इन टू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, वी सेल नाउ बिगिन टू वर्क, द अंडरलाइन वर्ड इज इन। 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। कह रहा है, सेडिंग क्रोकोडाइल टीयर्स मीन्स। 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। 33 कह रहा है, द टीचर सेड दैट ऑयल इज डैश ऑन वाटर। 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे, दोज आर माइग्रेंट बर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ वट काइंड ऑफ प्रोनाउन। तो 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर, हरी ब्रुक द विंडो चेंज द वॉइस, यानी कि वॉइस में आपको बदल रहा हुआ। तो 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, ये द विंडो वॉज ब्रोकन बाई हरी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे, विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्टिव नाउंस रेफर टू द ग्रुप ऑफ शिप। 35 का करेक्ट आंसर डी होगा। कह रहे, वाट टेंस इज द फॉलोइंग सेंटेंस, आई हैव नॉट सीन हर फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। टिक द मोस्ट अप्रोप्रिएट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस, द टीचर सेड अस टू, मतलब आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बताना पड़ेगा। तो 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, द टीचर टोल्ड अस दैट मैन इज मोर्टल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 से। कह रहा है, टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग और स्ट्रांग इमोशन वी यूज। 38 का करेक्ट आंसर डी होगा। कह रहा है, 39, सी वुड नॉट हैव अर्नड सच अ बिग हाउस ऑफिस इफ डैश द चैलेंजिंग कॉन्ट्रैक्ट। तो 39 का करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। कह रहा है, सम एंसिएंट ग्रीक फिलोसोफर बिलीव दैट अर्थ डैश राउंड। 40 का करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। मीनिंग ऑफ फीबल इज, तो फीबल का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, बोरिंग। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। कह रहे हैं, सिनोनिम ऑफ फैसिनेट। 42 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। 43, एंटोनिम ऑफ डिस्पाइस। 43 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। 44 कह रहे हैं, समथिंग विच इज कम्प्लीटली रेडिकुलस। 44 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, अम्यूजिंग। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड पूछ रहे, फिलोसफर से दैट वर्ल्ड इज एन इल्यूजन। तो 45 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, अ ट्रूथ। यहाँ से अब आपके साइंस स्टार्ट हो रहे हैं। करे, आफ्टर फर्टिलाइजेशन दी डैश डिवाइड रिपीटेडली टू गिव राइज टू अ बॉल ऑफ सेल। 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन जाइगोट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। यहाँ पे कह रहे हैं कि सम प्लांट्स हैव नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इन देयर रूट्स नोड्यूल्स, व्हाट आर दीज बैक्टीरिया कॉल्ड। ये होगा आपका राइजोबियम। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। 48 ये कह रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एसोसिएटेड विद फूड प्रिजर्वेशन। 48 का करेक्ट आंसर बी होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, 49। 49 कह रहा है, वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ नायलॉन ओवर रेयॉन इज दैट नायलॉन। 49 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ई होगा, इज रिकलिंग फ्री। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेयरिंग आउट ऑफ साइकिल टायर्स। 50 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, फ्रिक्शनल फोर्स। इस वीडियो में हम आपको 1 से 50 तक ही रखते हैं, अगले वीडियो में 51 से आपको 100 तक मिल जाएगा। वीडियो एंड तक देखिए, बाकी कोई भी डाउट्स क्वेरी है तो कमेंट कीजिए। आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं वो कमेंट कीजिए, ताकि हम आपको सपोर्ट कर सके, बता सके कि आपका सिलेक्शन हो पाएगा नहीं हो पाएगा।